हे व्हाट्स अप गाइस, दिस ऋतिक शर्मा बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, फाइनली जो है कुछ शाओमी डिवाइसेस के लिए गुड न्यूज़ निकल के आ गई है। जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ डिवाइसेस के बारे में जिनके अंदर दोस्तों MIUI 12.5 चल रहा है और जिनके अंदर MIUI 13 चल रहा है, उनके लिए कुछ अपडेट्स जो है रिलीज़ कर दिए गए हैं और कुछ अपडेट्स जो है आने वाले हैं। तो बताऊँगा दोनों डिवाइसेस के बारे में जिनके अंदर आने वाला है और जिनके अंदर ऑलरेडी आ चुका है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के एंड तक, आपको सारी जो है डिटेल्स देने वाला हूँ और कौन कौन सी वो डिवाइसेस हैं जिनके अंदर अपडेट देखने को मिलने वाला है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, सारी डिवाइसेस नहीं है जिनके अंदर अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि एक साथ सारी डिवाइसेस के अंदर जो है पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए धीरे धीरे करके दोस्तों जो है डिवाइसेस को अपडेट मिल रहा है और जैसे जैसे मिलेगा मैं आपको जो वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी डिवाइस है जिसके अंदर MIUI 12.5 अभी चल रहा है और MIUI 13 देखने को मिलने वाला है। तो पहला दोस्तों वो डिवाइस है Redmi Note 9। जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 9 के अंदर जो है हमें MIUI 13 का अपडेट देखने को मिल गया है चाइना के अंदर। ये स्क्रीनशॉट्स कुछ निकल के आ गए हैं हमारे सामने, जिसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं इसका वर्जन क्या है, 13.0.1.0 जो है कि चाइना का दोस्तों जो अपडेट देखने को मिल जाता है। इसके अंदर 3.6 GB का इसका जो साइज देखने को मिल जाता है। और दोस्तों तो वहीं पर देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर जो वर्ड्स हमें हमारे पास हमेशा आता था उसके अंदर दोस्तों इन्होंने जो है स्ट्रिंग चेंज कर दिया। चेक अवेलेबल बेनिफिट्स जो है इसके अंदर देखने को मिल गए हैं। मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में आएगा, अगर आ जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि चाइना के जो है कुछ फीचर्स ही इंडिया में आते हैं, फीचर्स आते ही नहीं है, सॉरी कुछ भी नहीं आता है, तो शायद ये देखने को हमें मिल सकता है। और एक मैं आपको बता दूँ दोस्तों बात कि इसके अंदर जो है हमें डिफ़ॉल्ट जो है कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा न्यू वाला, तो हमें उसके लिए दोस्तों अलग से कोई प्लगइन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कुछ डिवाइस जैसे इंडिया के अंदर भी हैं जो है अभी प्री डिफ़ॉल्ट जो है कंट्रोल सेंटर के साथ में आ रही है न्यू वाले, तो उसमें दोस्तों जो Redmi Note 10S का भी मैं आपको बताऊँगा उसके अंदर से आने वाली है। Redmi Note 10 के अंदर भी जो है दोस्तों है हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों Redmi Note 9 का जो है अपडेट बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर जो है रोल आउट होने वाला है, और जैसे क्योंकि मैंने बता दिया कि ये चाइना के अंदर रोल आउट हो गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों और भी डिवाइसेस की, जैसे Redmi Note 10। तो दोस्तों Redmi Note 10 का मैं आपको बता दूं तो उसके अंदर भी जो है ग्लोबल के अंदर जो है अपडेट देखने को मिल गया है, और जल्दी से जल्दी जो है इंडिया के अंदर भी अपडेट देखने को हमें मिल जाएगा। और बहुत ही जल्दी, मतलब मैं आपको एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, टाइम तो नहीं बता सकता, लेकिन एक मंथ के अंदर अंदर भी आपको देखने को ये मिल सकता है MIUI 13 का अपडेट। और अब बात करते हैं दोस्तों Redmi Note 10S की। तो दोस्तों आपको जैसे ही पता था अभी कल ही जो है Redmi Note 10S को ग्लोबल के अंदर अपडेट देखने को मिल गया है MIUI 13 का, जिसके अंदर दोस्तों हमें कंट्रोल सेंटर भी देखने को मिल जाता है न्यू वाला। तो बहुत ही ज्यादा जल्दी इंडिया के अंदर भी अपडेट देखने को हमें मिल सकता है। और मैं आपको बता दूं एक हफ्ता, मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर जो है इंडिया के अंदर ये अपडेट हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि MIUI 13 के ऊपर होने वाला है। और इसके अंदर दोस्तों आपको सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि न्यू कंट्रोल सेंटर एंड मच मोर। आप खुद भी देख सकते हैं, आपको सबको पता है कि क्या हमें जो है फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों बहुत जल्दी जो है अपडेट देखने को हमें मिलने वाला है MIUI 13 का इंडियन डिवाइसेस के लिए। और भी दोस्तों कुछ डिवाइसेस हैं जिनके अंदर मिलेगा, और जैसे ही मिलेगा तो मैं जरूर से उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। आपकी जो डिवाइस है वो कमेंट करें कि भाई मेरे को इस डिवाइस के लिए जानकारी दे दो, तो मैं उसके ऊपर भी जो है वीडियो बना दूंगा। और भी अगर दोस्तों आपको कोई डाउट होगा तो मेरे चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ मेरे ग्रुप भी है टेलीग्राम पर, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मैं आपके सारे जो डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बात करते हैं Redmi Note 10 Pro की। दोस्तों उसके अंदर हाल फिलहाल में अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी अपडेट आने वाला है। उसके अंदर भी हमें न्यू कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारे पास कुछ डिवाइसेज है जिनके अंदर हमें न्यू और लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं, और आप जो है इनको अभी वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, तो आपको दोस्तों वेट जो है खत्म होने वाला है। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं सारी अपडेट्स देता रहता हूँ, अपडेट्स के बारे में, MIUI APKs के बारे में, और ये हमारा ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यही था वीडियो में, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।